चेन्नई सुपर किंग्स एक नजदीकी मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब से 4 रन से हार गई। इस मुकाबले को धोनी की प्रतापी पारी के लिए याद रखा जाएगा, मगर इसके साथ साथ सीएसके के खिलाड़ी को भी याद रखा जाएगा जिसकी वजह से चेन्नई ये मैच हार गई। यही नहीं, पिछले मैच में भी इसी खिलाड़ी ने मैच फंसा दिया था, मगर वो तो आखिरी वक्त में चेन्नई जीत गई। आपको पूरे सबूतों के साथ दिखाते हैं कि कैसे एक बड़ा खिलाड़ी हार का विलन है और हार का वही जिम्मेदार है। चेन्नई की टीम को जीत के लिए 38 बॉल में 85 रन की जरूरत थी और मैच पूरी तरह से खुला हुआ था। यहीं पर रायडू आउट हो गए। फिर मैदान में एंट्री हुई सर रविंद्र जडेजा की। इतनी क्रूशियल कंडीशन होने के बाद भी जडेजा ने आते ही 2 बॉल डॉट खेल ली और फिर ओवर खत्म हो गया। अब चेन्नई को जीत के लिए 36 बॉल में 85 रन की जरूरत थी। इसके बाद अगला ओवर पूरा का पूरा करीब करीब धोनी ने खेला और जडेजा को स्ट्राइक कम ही मिली। लेकिन जब सीएसके को जीत के लिए 30 बॉल में 76 रन की जरूरत थी तो इस ओवर में भी जडेजा ने 2 बॉल डॉट खेली। यही नहीं, सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक देने के बजाय जडेजा बड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते रहे, मगर सर जडेजा से हो नहीं पाया। यहां तक कि ओवर में 2 बार 2-2 रन दौड़ कर ले लिए और पूरे ओवर में धोनी को स्ट्राइक तक नहीं दी। जडेजा के क्रीज पर आते वक्त जो रिक्वायर्ड रन रेट 13.5 का था, वो जडेजा ने बढ़ाकर 17 तक पहुंचा दिया, यानी 17 रन प्रति ओवर। बस यहीं से चेन्नई की हार पक्की हो गई। इसके बाद जडेजा खुद तो आउट हो गए और सारा दबाव धोनी पर छोड़कर चले गए। धोनी ने हालांकि इसके बाद भी कोशिश की, मगर आखिरी ओवर में 4 रन कम रह गए। अब ऐसे में सीएसके इस बड़े मैच को जीत भी सकती थी, लेकिन जडेजा की थकी हुई पारी ने सीएसके को मैच हरा दिया। इस हार के बाद सीएसके के फैंस का कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि सर जडेजा को टीम से बाहर किया जाए और उनकी जगह पर किसी और को मौका दिया जाए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।